हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अभी आप लोगों की लेटेस्ट अपडेट आई है, ये आई है ONGC की तरफ से। गाइस, ONGC बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसके बारे में मैं पहले ही अपडेट दे चुकी हूँ। यहाँ पर जो अपडेट आ रही थी, ये ONGC मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी थी। गाइस, यहाँ पर मैंने ये जो अपडेट दी है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट 7 मई थी और लास्ट डेट यहाँ पर 28 मई थी। इसके बारे में मैंने पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से बता दिया है और अगर आप फिर भी इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इंग्लिश में यहाँ से कर सकते हैं, हिंदी में यहाँ से कर सकते हैं। इसका मैंने पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है अच्छे से बता दिया है। गाइस, उसके लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या फिर आप लोग हमारे जो है चैनल को विजिट कर सकते हैं, वहां पर जा सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताने वाली हूँ कि आप लोगों को इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आ रहे थे कि अप्लाई किस तरीके से करें और यहाँ पर जो है मैसेज भी आए हैं इंस्टाग्राम पर। तो जो मैंने वहाँ पर देखा तो आप लोगों का पता चला वहाँ पर कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर चाहते हैं कि मैं अप्लाई वाला वीडियो बनाऊँ। तो गाइस, आप लोगों की डिमांड पर ये जो है वीडियो आया है, क्योंकि गाइस मैं इसीलिए आप लोगों के लिए वीडियो लाती हूँ। जो स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि अप्लाई वाला वीडियो लेकर आए, तो मैं उन्हीं वीडियोस को लाती हूँ, क्योंकि गाइस कुछ ऐसी वीडियोस भी होती हैं या फिर ऐसा लेटेस्ट वैकेंसी भी होती है जो बहुत सिंपल होता है उनका अप्लाई करने का क्राइटेरिया। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग का एक वीडियो में ये निपट जाए, बट ये एक वीडियो में नहीं हो सकता था, इसलिए मुझे दूसरा वीडियो लाना पड़ा। तो गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लिंक आप लोग को मैं कहाँ दे दूँगी, टेलीग्राम पर दे दूँगी और साथ में डिस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगी, वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाइए। इसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसी ही लेटेस्ट और भी अपडेट मिलती रहती है टेलीग्राम पर, तो थोड़ा स्क्रॉल कीजिए गाइस, यहाँ पर लास्ट में आप लोग पहुँच जाइए। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं दिया गया है एग्री करने का, यहाँ एग्री करना है और करना है प्रोसीड टू रजिस्टर। अब ये कौन से स्टूडेंट करेंगे, जिन्होंने कभी भी इसमें अप्लाई नहीं किया है, ये प्रोसीड टू रजिस्टर उनको करना है। लेकिन जो हमारे पहले स्टूडेंट एक दो बार अप्लाई कर चुके हैं, उनके पास तो आईडी पासवर्ड होगा, तो वो यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट ही लॉग इन कर लें। बट हम मैं न्यू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बताऊँगी जो हमारे बिल्कुल नहीं हुआ, यहाँ हम जो है एग्री करेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ये इस तरीके से प्रोसीड होने लगेगा। प्रोसीड होने के बाद गाइज यहाँ पर इस तरीके का टैब ओपन होगा, क्लोज कर देना इसे। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करना, यहाँ देखिए दो तीन चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे जो है स्टेट निकल कर आ जाएंगे, जिन स्टेट से आप लोगों को अप्लाई करना है। गाइस, जिन स्टेट्स में ये वैकेंसी है उन्हीं से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हैं तो दिल्ली से ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड से ही कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर चूज़ कर लेती हूँ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली, इसमें आप लोगों को जैसे कन्फर्म, आप लोग के पास एक निवास प्रमाण पत्र होता है जो हमारा कन्फर्म करता है कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, मतलब साइल हैं आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग ऑल इंडिया एलिजिबल नहीं है। जो यहाँ पर वैकेंसी में दिया गया है लोकेशन, उन्हीं लोकेशन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर गाइस अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देती हूँ तो आप लोग मेरा यहाँ पर नोटिस नहीं करना, ठीक है। मैं आप लोगों के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी डाल देती हूँ, तो ये चीज़ है आप लोग के सामने। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पर मैं जो है सेट कर देती हूँ, ये देखिए सेट कर दिया। उसके बाद कैंडिडेट को अपना फुल नेम भरना है, तो मैं यहाँ पर देखिए स्मार्ट जॉब डाल देती हूँ गाइस, ठीक है। आप लोग अपना नाम डाल देना, स्मार्ट जॉब मत डाल देना, ओके, ऐसा मत करना। उसके बाद गाइस आप लोग को डालना है यहाँ पर फ़ोन नंबर, तो आप लोग अपना कोई भी फ़ोन नंबर डाल देना, ठीक है। मैं फ़ोन नंबर डाल दूँगी, उसके बाद कंफर्म फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, और कंफर्म ईमेल आईडी डालने के बाद कैप्चा डाल देना। कैप्चा भरने के बाद सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आप लोग का एक फॉर्म ओपन होगा, तो देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है आप लोग का सबमिट किया, सबमिट करने पर इस तरीके का टैब ओपन हो गया। यहाँ पर मेरी पर्सनल डिटेल दिखा रहा है, पर्सनल डिटेल में देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है। उसके बाद जो कैंडिडेट का फुल नेम, आप लोगों का जो नेम होगा वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने डोमिसाइल दिल्ली भरा था तो दिल्ली दिखा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग को दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन, मतलब जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ आप कितने ईयर के हो चुके हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर दिखाएगा। फ़ोन नंबर और आप लोग का ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें
आप लोग के पर्सनल डिटेल में आ जाएंगी। तो गाइस जैसे ही आप लोग यहाँ पर जो है अपना पूरा फुलफिल कर देंगे, उसके बाद आप लोग जो ईमेल आईडी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर smartjob08@.com ये ईमेल आईडी डाला है, तो इस पर मेरा जो है जो मैंने ईमेल आईडी या पासवर्ड डाला है वो यहाँ पर इस ईमेल आईडी पर पहुँच चुका होगा। अब उस ईमेल आईडी और पासवर्ड को आप लोगों को कहाँ फिल करना है वो मैं बता देती हूँ। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर रिटर्न आना है और यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हेयर, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला वो यहाँ डालना और आप लोगों को यहाँ पर अपना कैप्चा भरना है, लॉग इन कर देना है। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पर ओपन किया पासवर्ड डाल के ईमेल आईडी, जो हमारी ईमेल आईडी पासवर्ड कहाँ मिलेंगे, जो आप लोगों ने ईमेल आईडी डाल रही होगी उस पर ही मिल जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर टैप कर देना है ये क्लोज। क्लोज करने के बाद आप लोगों का देखिए ये फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को आप लोगों को पूरा फिलअप करना है गाइस, अच्छे से फिलअप करना, क्योंकि आप लोग अगर एक बार फिलअप कर दिए तो फिर नहीं होगा। स्टार्टिंग में तो आप लोग की जो है पर्सनल डिटेल आ जाएगी, उससे आप लोगों को मतलब नहीं है, वो अपना फिलअप हो जाएगा उसके बाद। तो गाइस उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर यस नो करना है, जैसे आप लोग फिजिकल हैंडीकैप तो नहीं है, अगर है तो यस करना, नहीं है तो नहीं करना, एक्स सर्विसमैन तो नहीं है तो नो कर देना। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट पैलेस एम्प्लॉय वगैरह है तो, या फिर आप लोग ONGC में पहले से वर्क कर रहे हैं तो यस करना, नहीं कर रहे हैं तो नो करना। अप्रेंटिस कर रहे हैं ONGC से तो अगर कर रहे हैं तो यस, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो। एक्स सर्विसमैन है तो मतलब एक्स अप्रेंटिस, आप लोगों ने पहले कभी अप्रेंटिस की है तो यस करना, नहीं किया तो नहीं। उसके बाद यहाँ से अपना जो है अपना जो क्वालिफिकेशन फिलअप कर देना। पोस्ट प्रेफरेंस, जैसे पोस्ट प्रेफरेंस मतलब मान लीजिए जूनियर इंजीनियर यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद पोस्ट कोड अपने आप आ जाएगा गाइस। और यहाँ पर सेंटर, तो सेंटर मान लीजिए दिल्ली का सेंटर कहाँ जाता है, दिल्ली NCR में जाएगा। मैंने यहाँ पर देखिए डोमिसाइल दिल्ली लिया है इसीलिए यहाँ पर दिल्ली आ रहा है। आप लोग मान लीजिए झारखंड लेंगे तो झारखंड आएगा। पर्सनल डिटेल आप लोग का आ जाएगा गाइस, यहाँ पर फादर्स नेम फिल कर देना, उसके बाद मदर्स नेम फिल कर देना, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं तो आप लोग उस तरीके से मान लीजिए अनमैरिड यहाँ पर डाल देना। और नेशनलिटी में आप लोग यहाँ पर इंडिया डाल देंगे, जैसे सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, इस तरह सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी अपना डाल देंगे, मेन अल्टरनेट फोन नंबर डाल देना, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी में वो डालना जो आप लोगों ने जो इसमें डाली थी पहले वो नहीं डालना, दूसरी डालना, ठीक है, मतलब एक तरीके से अटैच करना। परमानेंट एड्रेस, इसमें अपना जो परमानेंट एड्रेस डाल देना। उसके बाद ये सारी चीज़ें देखिए मैं आप लोग को भर के नहीं दिखाऊंगी, ये सारी चीज़ें आप खुद करना, क्योंकि आपका एड्रेस है आप खुद डालेंगे, पिन कोड डालेंगे आपकी अपनी कंट्री का। उसके बाद आप लोग का परमानेंट एड्रेस है या नहीं तो ये यस कर देना, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस डालने के बाद फिर से डालना होगा आप लोगों को यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10th की डिटेल डालनी होगी, ये सारी किस ईयर में आप लोगों ने पास आउट किया, इंस्टीट्यूट किया है, पासिंग ईयर ये। उसके बाद 12th की डिटेल डालनी होगी यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों ने जो क्वालिफिकेशन किया उसकी डिटेल, मान लीजिए डिग्री वगैरह किया है आप लोग की, अगर एक्स्ट्रा जैसे कोई भी जैसे मान लीजिए डिप्लोमा भी किया है, डिग्री भी किया है तो आप लोग उसकी डिटेल डालेंगे, ठीक है। एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल सर्टिफिकेट में कोई भी अगर आपके पास अदर, जैसे कुछ लोग होते हैं कि दो क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, मान लीजिए डिप्लोमा कर लिया उसके बाद डिग्री कर ली, तो इस तरीके का कोई क्वालिफिकेशन कर लेते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो इस तरीके से आप लोग अपना इसमें डाल लेना। इसे डालने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए अपना रिज्यूम अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर अपना अपलोड करना है। गाइस ये गवर्नमेंट जॉब है, अच्छे से करना, क्योंकि अगर आपका एक भी दिक्कत होती है तो आप लोग को यहाँ पर रिजेक्ट किया जाता है फोन। इसे एग्री कर देना, यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर देना। कैप्चा फिल करने के बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पर सबमिट कर देना, पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और इसी तरीके से आप लोग पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना गाइस। काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, बहुत अच्छा है गाइस, आप लोग अप्लाई ज़रूर करना। और यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की श्योरिटी बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन होने की। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।